हेलो दोस्तों एंड दोस्तनीज। हेलो, मेरा नाम है दीप पटेल, वो तो आप सबको मालूम ही होगा। हाँ, तो ये जो वीडियो है वो है मेरे जैसलमेर के ट्रिप के बारे में, जहाँ पे आप लोगों को इस वाले वीडियो में मिलेंगे अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स। जैसलमेर बाजू में रहता है, बाल पहले आ जाते हैं यार, हटो यार। अब नीचे कमेंट्स आएगी, ये कटवा दो ना, कटवा दो खाता। ये जो हमारी ट्रिप है उसके सबसे पहली जो शुरुआत हुई है वो ये होटल रॉयल विलास है। होटल अच्छी थी, फिर हम होटल में फ्रेश हुए, फिर वहां से निकल गए थे हम दोपहर का खाना खाने के लिए, फिर निकल गए थे हम सैम सैंड ड्यून्स की तरफ। देन वहां पे जाने के बाद ना हमें जो पैकेज था उसमें 3 टेंट इंक्लूडेड थे, वो टेंट मतलब कि अच्छे खासे थे, डिसेंट थे टेंट। फिर थोड़ी देर फ्रेश होने के बाद एक गाड़ी हमको लेने आई, लेकिन उस कार में बैठ के हम पूरा ऑफ रोडिंग ऐसे उधर ऊपर नीचे से पूरा ऐसे हिला के रख दिया। मैं पहले सोच रहा था कि यार डेजर्ट में ऐसा तो क्या है, लोग डेजर्ट में क्यों जाते हैं, लेकिन नहीं, वहां की भी ना एक अलग ही वाइब है। देख लो खुद ही वीडियो में कैसी वाइब थी वहां की। वहाँ पे ना हमने 2-3 एक्टिविटीज़ की। कैमल राइड का जो एक्सपीरियंस है ना भाई, सच्ची में यार ऐसे कैमल के ऊपर बैठ के पूरा ऐसे व्यू लेते हुए मज़ा आता है। वहाँ पे ना जब सनसेट हुआ ना, तब हमने मस्त ऐसे फोटोज़ क्लिक किए, फोटोज़ वीडियोज़ यार क्या फोटोज़ क्लिक किए थे वहाँ पे, देख लो। ਬੜਾ ਮਜਾਕੀ ਧੋਕਣੀ ਏ ਚੰਦਾ ਮੈਂ ਥਾਰੀ ਚਾਂਦਣੀ ਮਨ ਦਾਮਣ ਮੈਂ ਪਾ ਹੀ ਕੁਸੀਰੇ ਝੁੰਮ 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 ਬਾ ਝੁੰਮ ਓ ਮਾਰੇ ਬੜਾ ਮਜਾਕੀ ਧੋਕਣੀ ਏ ਚੰਦਾ ਮੈਂ ਥਾਰੀ ਚਾਂਦਣੀ ਮਨ ਦਾਮਣ ਮੈਂ ਪਾ ਹੀ ਕੁਸੀਰੇ ਝੁੰਮ 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 ਬਾ ਝੁੰਮ।
फिर तो भाई साहब वापिस आते समय उस बंदे ने जो अपनी गाड़ी भगाई है भाई, वेल जैसे ही हम हमारे टेंट के और मतलब कि टेंट को शाम को वापस लौट रहे तब वहाँ पे ना लोग खड़े थे आपका वेलकम करने के लिए। फिर उसके बाद हम थोड़ा फ्रेश ब्रेश हुए, हाई टी थी शाम को वो अच्छी थी वो कर दी। फिर रात को ना हमने जो रात का खाना खाया ना बेस्ट, सबसे बेस्ट दाल बाटी थी ना। आई नो दाल बाटी राजस्थान की फेमस है, वहाँ की पॉपुलर है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने खाई है, लेकिन वहाँ की जो दाल बाटी, सीरियसली मुझे तो एक बार ऐसा हो कि वापस जाके दाल बाटी खा के आते हैं। फिर वहाँ पे ना कुछ कल्चरल इवेंट करके कुछ होता है, तो क्या सब लोग ऐसे बैठते हैं बीच में, चार पांच लोग होते हैं वो ऐसे परफॉर्म करते हैं कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट से। चांदनी बन दामन में बादी खुजीर चुम चुम चुम।